चुनाव से पहले बीजेपी को ठोकर मार लौट आई कांग्रेस की बब्बर शेरनी, मची अफरा तफरी। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान दल बदल का खेल जारी है। सियासी नफा नुकसान को देखते हुए लोग पाला बदल रहे हैं। कांग्रेस वाले बीजेपी में तो बीजेपी वाले कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में 6 अप्रैल को सीधी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष काजल वर्मा बीजेपी में शामिल हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी। 48 घंटे बाद ही उनका मन बदल गया और वापस कांग्रेस में लौट आई। दरअसल 6 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली थी। रैली के दौरान उन्होंने काजल वर्मा को बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी। काजल अपने समर्थकों के साथ जोश में बीजेपी में आई थी। बीजेपी में शामिल होने की खबर उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की थी। काजल वर्मा ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस पर जमकर हमला भी किया था, लेकिन 48 घंटे बाद ही इस मामले में ट्विस्ट आ गया। 8 अप्रैल को अचानक अपने ससुर और कांग्रेस नेता विनोद वर्मा के साथ वह कांग्रेस ऑफिस पहुंची। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अचानक से भारतीय जनता पार्टी में कैसे शामिल हो गई, मुझे खुद ही पता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के पार्षदों से अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी और कांग्रेस पार्टी में हमेशा रहूंगी। दरअसल नगर पालिका अध्यक्ष काजल वर्मा के ससुर विनोद वर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उन्हीं की वजह से काजल वर्मा को सीधी नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया गया था। 6 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी प्रत्याशी राजेश मिश्रा के लिए चुनाव प्रचार करने आए थे। इस कार्यक्रम में अचानक पहुंचकर काजल वर्मा ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। सूत्रों की माने तो सीधी नगर पालिका परिषद में कांग्रेस पार्षदों की संख्या अधिक है, इसी वजह से काजल वर्मा अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। लेकिन काजल वर्मा के बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रेसिडेंट काउंसिल के पद से सभी कांग्रेसी पार्षदों ने इस्तीफा सौंप दिया था। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। सभी लोग अविश्वास प्रस्ताव लाकर काजल वर्मा को नगर पालिका अध्यक्ष पद से हटाने के लिए लामबंद हो गए थे। चर्चा है कि इसी वजह से उन्होंने घर वापसी की है।